अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय एवरीवन माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फ्लावर पेंट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को कलर बताऊंगी। इस फ्लावर में लीफ को पेंट करने के लिए पीला कलर चाहिए, लेमन येलो, ग्रीन कलर, और गेंद को पर्पल कलर, और ये वाइट कलर लगेगा। ये चारों कलर को मिला करके इस फ्लावर को हम बनाएंगे। और इसमें ब्रश इसमें लगेगा 1 नंबर ब्रश, जिससे हमें पत्ता का शेड मारने में काम आएगा। और ये 2 नंबर ब्रश है, जिससे हमें गेंद बनाना है। तो फ्रेंड्स, हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर बनाना। ये देखिए, हम पंखुड़ी बनाना शुरू पंखुड़ी बनाना शुरू की हूँ। इस पंखुड़ी को पूरा अच्छी तरह से हमें फील करना है। पूरा इसको भर देना है अच्छे से फील करके। देखिए, ये पूरा फील हो गया अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, ये सब पेंट आप लोग भी कर सकते हैं। पेंटिंग करना बहुत आसान होता है, बस ध्यान से देखना देखिएगा, उसके बाद आप भी बना सकती हैं। लो, देखिए, हम पूरे पंखुड़ी को बनाना शुरू की हूँ। पंखुड़ी को भर के उसके बाद हल्का, जब पंखुड़ी सूख जाए, ज़्यादा नहीं, हल्का भी गीला ही होना चाहिए, तभी इस पे सफ़ेद कलर का सेट दे सकते हैं, नहीं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। हल्का गीला रहे पेंट पंखुड़ी, तभी उसे लगाना पड़ता है सेट को अच्छी तरह से। ये देखिए, हमारी पंखुड़ी अच्छी तरह से भर गया है। हमें इसमें सफेद कलर से शेड मारना पड़ेगा। ये देखिए, पंखुड़ी अब हम सफेद से इस
पंखुड़ी को बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें दो कलर इस्तेमाल होता है पंखुड़ी बनाने में, जिससे कि हमारी पंखुड़ी बहुत अच्छी लगे। दो कलर मिक्स करके बनाने से पंखुड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पिंक कलर, वाइट कलर इसमें लगा रहे हैं। ये वाइट कलर इसमें लगा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से सेट मारना होगा। ये देखिए सेट हमारा बहुत हल्के हाथों से सेट मारना पड़ता है, जिससे हमारी पंखुड़ी का खूबसूरती जो है और बढ़ जाता है। ये देखिए हमारा दूसरा पंखुड़ी भी तैयार हो गया। आप लोग भी इस तरह बना सकती हैं। ये देखिए एकदम बारीक बारीक इसमें सेट देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। उसके बाद हमारे पंखुड़ी, दूसरी पंखुड़ी भी तैयार हो गई। तीसरी पंखुड़ी फ्रेंड्स, तीसरी पंखुड़ी भी हम बता रहे हैं। तीन पंखुड़ियाँ इसलिए बताएं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए कैसे इसे बनाना है। ये बहुत आसान है, कोशिश करने से सब काम आसान हो जाता है। तो आप सब भी कोशिश कीजिए, आप लोगों से भी अच्छी तरह से बन जाएगा। ये देखिए हमारी पंखुड़ी के, हमारी पंखुड़ी चौथी पंखुड़ी बता रही हूँ, जिससे आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ जाए इसे कैसे बनाना है और इसके बाद मैं आप सभी को पत्ते बनाना सिखाऊंगी, लीफ को कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें लीफ को पीला कलर से भरना होगा। पीला नहीं, सॉरी, ग्रीन कलर से लीफ को भरना है। ये देखिए
लीफ को मैं भर रही हूँ। अच्छी तरह से लीफ को फील करना है ताकि कहीं खाली जगह नहीं बचे पत्ता में, लीफ में। ये देखिए, इसे मैं अच्छी तरह से फील कर दी हूँ। अब मैं दूसरे पत्ते को बना रही हूँ। ये देखिए, इसे भी अच्छी तरह से फील करना है, इसमें पूरे कलर को भर देना है लीफ के अंदर। और ये कलर मैं लीफ कलर